नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हो आरडी स्मार्ट जोन यूट्यूब चैनल को। तो यार गाइस, आज आपको मेट्रो के बारे में जानकारी दे रहा हूं। वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो गोरखपुर को कौन नहीं जानता है? आज गोरखपुर इतना ज्यादा विकास हो गया है कि गोरखपुर को हर कोई जानता है। जहां कभी लोग टू लेंथ पे चलते थे, आज फोर लेंथ पे चल रहे हैं। और जहां कभी बसे से नहीं जाते थे, आज बसे से भी लोग जाते हैं। तो यानी बात किया जाए तो गोरखपुर इतना ज्यादा विकास कर रहा है गाइस की, तो इसी बीच अब हम लोग के बीच आ गया है गोरखपुर का मेट्रो। तो गाइस, जो कि आप लोग जानते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे योगी आदित्यनाथ सीएम जी जो है, उन्होंने बताया है कि गोरखपुर में मेट्रो 6 महीने के अंदर ही आप लोग का चालू हो जाता है। तो गाइस, कितनी खुशी की बात है। मैं गोरखपुर का मेट्रो के बारे में पूरा डिटेल देता हूं। तो गोरखपुर जो मेट्रो ट्रेन है, आखिर कितनी लागत में बन रहा है? तो गा रही से ये गोरखपुर मेट्रो ट्रेन है, ये 4600 करोड़ रुपए में इसका बनने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड में मंजूरी मिलने के बाद इसका निर्माण कार्य कर दी है, जो कि आप जान सकते हैं। लेकिन मेट्रोपॉलिटन शहर में मेट्रो संचालित होने का नियम होने के कारण इसमें कुछ ही दिन और रोकना पड़ा। यानी बात किया जाए तो गाइस, ये पहले ही मंजूर हो गया था कि गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन बनेगा, बट गोरखपुर सिटी मेट्रोपॉलिटन एरिया में नहीं आता था, जिसकी वजह से गोरखपुर जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है वो रुका था। और काफ़ी मतलब बात किया जाए तो रुका और इतना दिन आगे बढ़ा, और फिर इसे मेट्रोपॉलिटन एरिया में कन्वर्ट किया गया। और फिर उसके बाद से जब कन्वर्ट हो गया तो फिर इसमें मेट्रो को चलाने का जो संशोधन था उसे पारित कर दिया गया। और बात किया जाए तो गाइस, शासन ने इस बाधा को दूर करने के लिए गोरखपुर मेट्रोपॉलिटन शहर घोषित कर दिया। अब मेट्रोपॉलिटन संचालन में कोई बाधा नहीं रह गई है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी GDA सक्रिय हो गया। यानी बात किया जाए तो अब इसमें कोई बाधा नहीं है, जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया भी है, और इसलिए वजह से अब गोरखपुर मेट्रो जो है वो अब गोरखपुर में दौड़ेगा। तो यार गाइस, बहुत खुशी की बात है। और वीडियो पसंद है तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो जरूर यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, तो आप लोग लाइक जरूर करिए। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। और बस, तो ये तो था अभी इसका खर्च, कितने खर्च में मेट्रो बन सकता है। बट अभी मैं आपको बताया हूँ कि इसका जो लागत है 4600 करोड़ रुपये है। तो यार गाइस, कितनी बड़ी रकम है मेट्रो का। और मेट्रो जो बनेगा गाइस ना, वो बनेगा हमारा जो फोर लेंथ बना है, उस फोर लेंथ के बीच में जो डिवाइडर बना है, और डिवाइडर के बीच में काफ़ी आप लोगों ने देखा है कि पेड़ पौधा लगा हुआ है, और उसी डिवाइडर के बीच में पिलर के माध्यम से गोरखपुर मेट्रो जो है बनेगा। तो पिलर पर बनेगा, और इसी वजह से जो डिवाइडर बना हुआ है, डिवाइडर काफ़ी चौड़ा चौड़ा है, और उसमें इतने हिसाब से उसे बनाया गया है कि मेट्रो उसी पर चलेगा। और उसको पिलर बना करके काफ़ी जगह स्पेस भी है उस पर, और पिलर बन जाएगा तो मेट्रो ट्रेन उसी के ऊपर से दौड़ेगा। तो यार गाइस, ये है कुछ मेट्रो का जो बजट था, कितने बजट में मेट्रो ट्रेन बनता है और कितना पैसा लगता है। तो यार गाइस, वीडियो में आज तक बने और वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, बात किया जाए तो एक ट्रेन में 400 यात्री सफर कर सकते हैं, यानी एक बार में 400 यात्री सफर कर सकते हैं, जो कि इसकी अधिकतम स्पीड होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गाइस देख सकते हैं, जो कि इसकी अधिकतम स्पीड होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी गोरखपुर मेट्रो लाइट को सभी प्रमुख स्थानों से जोड़ा जाएगा, जो कि रेलवे स्टेशन, एम्स, शैक्षिक संस्था, पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय, मार्केट एरिया और आपका गोरखपुर एयरपोर्ट कॉरिडोर के नज़दीक होगा। और गाइस, इसका कुछ आप लोग देख सकते हैं मैप, जो कि है श्याम नगर से आप लोग का मदन मोहन मालवीय तक, जो कि कॉरिडोर वन है, जो कि 15.14 किलोमीटर है। और गाइस, काफ़ी ज़्यादा अवकीर्ण से इसी से मेंशन किया गया, आप लोग देख सकते फर्स्ट कॉरिडोर है भाई। और दूसरा कॉरिडोर जो कि आपकी जैसे श्याम नगर, गोरखनाथ मंदिर, धर्मशाला, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटी, रामगढ़ ताल, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वैसे ये दूर मेट्रो स्टेशन के पास ही होगा। अब लोकेशन में देखते हैं, मेट्रो में काम का संचालन और रखरखाव यहीं से होगा। और दूसरा कॉरिडोर है जो कि आपका 12.70 किलोमीटर यानी 70 किलोमीटर होगा, जो का आपका BRD मेडिकल कॉलेज से होगा गाइस, जाके आप लोकेशन में देख सकते हैं, मोगला BRD मेडिकल कॉलेज खजानती और नौसर, यानी BRD मेडिकल कॉलेज से नौसर तक होगा, जो कि BRD मेडिकल कॉलेज खजानती बाजार, अशोक नगर, धर्मशाला, गोलघर, कचहरी चौराहा, ट्रांसपोर्ट नगर, नौसर। और गाइस, से धर्मशाला स्टेशन इंटरचेंज स्टेशन होगा, जो कि यहीं से इसका सब रख रखाव होगा, जो कि मेट्रो लाइन का निर्माण कार्य शुरू होने के 4 साल के भीतर ही पूरा कार्य हो जाएगा। तो बात किया जाए तो ये जो मेट्रो लाइट है, इसको 4 साल के अंदर ही, यानी 2004 साल के अंदर ही पूरा करने का पूरा रखा गया प्रस्ताव, यानी तेज सुविधाजनक, प्रदूषण सुगम। यानी बात किया जाए मेट्रो बन जाता है तो
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेट्रो का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।